संगीत यहाँ जो बज रहा है इसका नाम है बीन जोगी और ये काफी पुरानी संस्कृति, बहुत पुरानी है, काफी पुरानी होते हुए अभी जो है काफी लंबा टाइम गुजर चुका है। ये सतयुगी जमाने की कहानी है। ये कब से आप कर रहे हैं? सतयुग जमाने में सतयुग हुआ पर त्रेता आप कलयुग है। कृष्ण जी की बंसरी बांस की होती थी, इसी तरह से हमारा ये यंत्र भी तो हमारा ये जंगल सी है। ये जो है ये भी जंगल का, ये बांस है, ये भी जंगल का, ये इसमें ये जो लगा है मोम, ये माल मक्खी का मोम लगा हुआ, इसके अंदर जो बोलने लग रहा वो भी खास की तरह से नर्सल होती है पानी की। ये बहुत पुरानी संस्कृति है और इस संस्कृति को अब जो है 35 साल से 40 साल से सरकार हमें याद कर लगी, बुला रही है, पार्टियों को जाते हैं, जहाँ भी बुलाते हैं, सात जोन है हमारे भारत में, सातों जोन में से कभी कोई बुलाता है, कभी कोई बुलाता है, ऐसे चलते रहता है। हमारे जो गुरु थे उसका नाम था गुरु कानीपानाथ, वो सतयुग में वो जहाँ भी बीन बजाता था वो इन्हीं बजाते थे। तो उस गांव के डंगर ढोल पशु आदमी अगर किसी का अंदर रोग भी हो गए तो रोग भी उनकी बीन बजाने से रोग भी दूर हट जाता था। ये बहुत पुरानी बात है और वही चीज़ अब तक हमारी चली आ रही है। जैसे जो भी कहते थे कि बीन पशु सपेरा बुला लेता है, ये भी तो ठीक जी। अब तक भी बात ये, अब तक भी बच्चे कहते हैं बाबा सांप दिखाओ, आपकी बीन पे तो सांप चल के आ जाता है। वो कहानी सचमुच है, लेकिन वो लहरा हम सब जगह नहीं बजाते, वो लहरा तो उसी जगह बुलाएंगे जो कोई हमें बोल के ले जाएगा कि भाई यहाँ से सांप पकड़ना है, तो वो लहरा बजाओगे वो सांप चल के आ जाएगा। बाकी वैसे नहीं बजा सकते, वैसे तो हमारी लोग धुने बहुत हैं उन्हें बजाते हैं। एक छोटी सी जो आपकी जो बहुत जो धुन हो आपके बहुत करीब, छोटा सा कुछ बजा के सुना दीजिए जरा सा। सात बजवाऊं जी अकेले बांस इसको बस।